जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। आज हम आप सबको दोस्तों एक ज़बरदस्त वैकेंसी की अपडेट देने वाले हैं, जो कि दोस्तों ITBP की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें ओनली मेल कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ओनली मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आपके साथ हम फुल डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं। इसमें दोस्तों कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें दोस्तों बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें पे स्केल कितनी दी जाती है दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं, इसके बारे में फुल डिटेल के साथ आपके साथ बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए कैंडिडेट हैं हमारे इस चैनल में अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 29 अक्टूबर 2022 से दोस्तों इसकी फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट हो रही है, और 27 नवंबर 2022 तक दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों केवल मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, फीमेल कैंडिडेट दोस्तों इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद चलिए आप सबको दोस्तों बता देते हैं कि इसमें पे स्केल कितनी ज़्यादा दी जाती है दोस्तों। बात करें सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें वैकेंसी दो वैकेंसी यानी कि दो दोस्तों पद के लिए आ रही है, जिसमें देख सकते हैं दोस्तों एक दोस्तों आपको हेड कांस्टेबल के लिए है, और दोस्तों दूसरा जो है कांस्टेबल के लिए है। दो तरह की दोस्तों वैकेंसी है इस पोस्ट में ITBP में, जिसमें कि एक हेड कांस्टेबल एक कांस्टेबल है। लेकिन दोनों दोस्तों बात करें तो मोटर मैकेनिक की तरफ से ही वैकेंसी आ रही है ITBP की तरफ से, जिसमें आपको पे स्केल दोस्तों 25,500 से 81,100 आपको एज पर 7 CPC के आधार पर दोस्तों बात करें तो लेवल 4 तक आपकी पे रहने वाली है दोस्तों। ये हेड कांस्टेबल के लिए थी, और कांस्टेबल की बात कर ले तो लेवल 3 तक आपको पे स्केल दी जाएगी, जिसमें दोस्तों 21,700 से स्टार्ट रहने वाली है, और 69,100 दोस्तों आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। चलिए दोस्तों अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, और दोस्तों टोटल पोस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि दोस्तों टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए दोस्तों टोटल 58 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से हैं इतनी वैकेंसी डिवाइडेड की गई है। और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक से दोस्तों 128 पद है, जिसमें दोस्तों टोटल यहाँ पर यानी कि दोस्तों बात करें तो इसमें डिवाइड की गई है आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए ऐप दिया हुआ है दोस्तों, साइट का नाम www.recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं आप। फिर दोस्तों जब भी इसकी देखिए दोस्तों 29 अक्टूबर को इसकी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाली, तो सरकार रिजल्ट में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आप इसकी अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए आपको 18 से 25 साल रहने चाहिए, और इसमें दोस्तों आपको 12th पास होनी चाहिए। साथ में ही दोस्तों देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक फ्रॉम योर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और फिर दोस्तों ITI किया हुआ होना चाहिए, तभी दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों आप अगर ITI नहीं किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए इसमें भी 18 से 25 साल रखी गई है, इसमें दोस्तों 10th पास रहनी चाहिए, और साथ में दोस्तों ITI की डिग्री होनी चाहिए, और 3 साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। और दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ कि सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले दोस्तों आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PT एंड PST होने वाली है, उसके बाद दोस्तों आपकी रिटेन एग्जाम होगी, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद दोस्तों फाइनल आपकी मेडिकल होने वाली है। मेडिकल के बाद दोस्तों आपका फाइनल कट ऑफ रिलीज कर दी जाएगी, और दोस्तों जो भी कट ऑफ के अंदर आएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है ITBP जो कि दोस्तों मोटर मैकेनिक की तरफ से भर्ती आने वाली है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं केवल ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, तो दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।